बॉडी 60% खत्म कर दोगे तो फेस से 60 चला जाएगा, कैसे हो सकती है? आपको क्या करना है, एक्स ओ तीन 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 मिनट और ये करके टंग भार बस फेस पर। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। Alright, what's going on you guys? Welcome back to my channel Zillocity and आज हम ऐसे कुछ TikTok, I mean Instagram Reels के ऐसे कुछ अजूबे देखने वाले हैं जिन्हें देख के मेरा मन करता है मैं मेरी literally certification, मेरी degree फाड़ दूँ। मतलब कतई बर्बाद किए मैंने मेरे पैसे on my nutrition and fitness certifications क्योंकि मैंने इतना time waste किया, इससे अच्छा मैं इन लोगों को follow कर लेता। तो पहला एक अजूबा ऐसा है, उनका नाम है मृदुल मैड हॉक। मृदुल मैड हॉक मतलब बंदे के नाम में मैड है यार, हमें ये हमें भी मैड कर रहा है। लेकिन देखते हैं ऐसी क्या ये एडवाइस देते हैं। इफ़ यू हैव सीन इंस्टाग्राम रील्स यू विल डेफिनेटली नो हु दिस गाय इज, एंड इफ आप में अगर IQ थोड़ा सा भी मतलब उंगलियों पे काउंट करने जितना भी अगर आप में IQ है तो आप समझ जाओगे कि ये आपको बना रहा है, ठीक है, आपकी ले रहा है ये मतलब अच्छे से। और 1.3 मिलियन फॉलोअर्स है इसके। अगर मैं इसकी एडवाइस लेके अगर मैं इंस्टाग्राम रील्स पे मैं भी ऐसे टिकटॉक बनाता तो शायद मेरे भी हो जाते हैं। बट एनी वे दैट्स नॉट द मोटिव। सो लेट्स सी ये क्या बोल रहे हैं महाशय। मोटापा कम करने की कोशिश तो बहुत करी हुई बट नहीं हो पाया बॉस। सिर्फ दो ऐसी आपको चीजें करनी है। फैट बर्निंग फॉर्मूला का नेक्स्ट लेवल आपको सीक्रेट बताने वाला हूँ। आपको सबसे पहले गर्म पानी के अंदर एक पूरा लेमन निचोड़ देना है और उसके अंदर आधा चम्मच ब्लैक सॉल्ट, ये दिन में दो बार ही कर लो सुबह और शाम। इसके अलावा जिंजर अदरक का छोटा सा टुकड़ा मुंह में टॉफी की तरह आपको चूसना है। इतनी श्योरिटी लेता हूँ पहले दिन से ना फैट चढ़ना आपके ऊपर बंद, उसके बाद कम होना शुरू। मतलब एयरपॉड्स लगा के मस्त जैकेट पहन के बाल ऐसे फुल स्टाइल करके बियर्ड ट्रिम करके कुछ भी आप हगोगे इंस्टाग्राम पे तो मतलब लोग मान लेंगे, है ना? दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो मे बी आई शुड चेंज माई आउटफिट, मे बी नेक्स्ट टाइम से लाइक मेक मी लाइक मृदुल, मेक मी लुक सो सेक्सी। Why am I not so sexy? Give you good clothes. Give me good clothes. मैं देख गरीब ऐसे चड्डी पहन के बैठता हूँ, मैं वीडियो शूट करता हूँ तो यार ये बंदा कोट वोट बाली कान में और वो एयरपॉड्स मस्त हेयर स्टाइल। इतना पैसा नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, हम ये सब टाइम रिसर्च में लगाते हैं, यही हम मार खा जाते हैं ना यार। बेसिकली भैया कह रहे जिंजर का मुंह में ऐसे एक टुकड़ा रखो, टॉफी की तरह चूसो, आपका फैट अगले दिन से आपका फैट चढ़ना बंद, मतलब चढ़ेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा। दिस इज़ कॉमनली बिलीव थियोरी दैट अगर आप गर्म पानी में अगर नींबू डालते हो और जिंजर डालते हो, जिंजर वाला पानी पीते हो तो उससे आपका फैट लॉस हो जाएगा। आप उसमें थोड़ा हनी डालो तो मतलब आपका फैट अलग ही लेवल पे, चर्बी पूरी कट जाएगी, फट जाएगी, ये सब बकवास बातें। ये बहुत ज़्यादा ही इट्स वेरी कॉमनली बिलीव्ड बाय फिटनेस ब्रोज, ठीक है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, ठीक है। व्हाट रियली मैटर्स इज कैलोरीज, ओके। अगर आपकी डेली कैलोरीज, इफ यू आर ईटिंग मोर कैलोरीज देन व्हाट योर बॉडी नीड्स। कैलोरीज आर यूनिट ऑफ एनर्जी, मतलब फूड से हम जो एनर्जी ले रहे हैं और हम जो एक्टिविटी में बर्न कर रहे हैं दैट इज व्हाट डिसाइड्स कि आपका वेट लॉस होगा या वेट गेन होगा, ठीक है। एंड यस, वो कैलोरीज में, वो एनर्जी में आपके कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं दैट ऑल्सो डिसाइड्स कि आपका क्या गेन होगा, जैसे मसल गेन होगा या फैट गेन होगा, राइट। सो इफ यू आर ईटिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, नॉट टू मच ऑफ रिफाइंड स्टफ, देन एंड इफ़ यू आर ईटिंग लाइक लेसर कैलरीज देन वॉट योर बॉडी बर्न्स, देन आपका फैट लॉस होगा, ओके। ये भैया जो बोल रहे हैं नींबू गर्म पानी, गर्म पानी लोगे तो फैट आपका पिघल जाएगा, ऐसा लॉजिक नहीं होता है, ठीक है। सो इट्स कम्प्लीटली BS एंड दिस इज वाई इट्स ऑन द लिस्ट नंबर वन फॉर टूडे। नंबर टू इज अगेन बाय मृदुल मैडहॉक भैया, एंड ये देखिए स्क्रीन पे। फेस पे 60 तो नहीं आ रहा था भाई साहब, मेरी बिफोर फोटो देख लो, आफ्टर तो दिख रहा हूँ, वैसे साइज में कुछ चेंज नहीं हुआ। तो फिर स्पॉट फैट रिडक्शन, अरे अकलमंद के पट्टो, बॉडी 60% खत्म कर दोगे तो फेस से फैट चला जाएगा, कैसे हो सकती है? डाइट मैंने यूट्यूब पे शेयर करी है, लिंक इन बायो, बट उसमें एक्सरसाइज 3 करनी है फेस की। आपको क्या करना है, एक्स ओ तीन 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 मिनट और ये करके टंग भार बस फेस पर। एक और कैसे टंग भार, मतलब अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। एक बार खुद को आईने में देखना, ये जो एक्सरसाइज बता रहे हैं ना भैया, ये करते हुए लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर, एंड आपके मिरर में से आपका जो रिफ्लेक्शन रहेगा वही बोलेगा भाई आपका कट रहा है। मतलब कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी। दिस इज नॉट हाउ योर बॉडी फैट, लाइक योर बॉडी लूजेस फैट, ऐसे 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 करो करो। अगेन कमिंग टू द सेम टॉपिक, कैलोरी डेफिसिट एंड गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन,
dictates your fat loss. Okay, that is what decides if you lose fat or not. And आप बकवास सी exercises कुछ भी कर लो, literally you do any exercises, you won't burn fat unless you make sure that you are in a calorie deficit. मतलब आपकी calories कम है overall. And if you're burning more from your workout, from your daily activity, इससे नहीं, like I'm talking about the gym activity, the cardio activity. तो ऐसी activities से अगर आपका energy ज़्यादा burning हो रहा है, तो you can be in a calorie deficit and ensure that you lose fat. That's why it's number 2 on the list. So ये तो भैया he's that's what he's famous for. Coming on to the third, बड़ी ये actually बड़ी नादान सी लग रही है. इन्हें ऐसा मतलब इनकी शक्ल पे दिख रहा है कि she doesn't know anything about it and she's just doing भैया stuff. And अब देख लो स्क्रीन पे, आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ. और बैक एक्सरसाइज पर स्लिम आर्म्स भाई. आपको ये करना है, अगर आपके हाथ से फैट लॉस करना है तो ये करो. ये ना फैट लॉस इज अ वेरी अट्रैक्टिव वर्ड. अगर मैंने इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ पोस्ट डाला, फैट लॉस फूड, फैट लॉस एक्सरसाइज, फैट लॉस डाइट, फैट लॉस डिटॉक्स, इट्स वेरी अट्रैक्टिव, तो लोग इंस्टेंटली उसको देखने लग जाएंगे कि अरे हाँ ठीक है क्या कह रहा है ये देखते हैं. सो ये टिकटॉक वाले इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं, दे वॉन्ट मोर लाइक्स, मोर फॉलोअर्स, मोर व्यूअर्स. एंड इसके वजह से ये लोग ऐसी चीज़ें डालते हैं अपने इंस्टाग्राम रील्स पे, ऐसे इनके टिकटॉक्स में, इनके पोस्ट्स में. जैसे उनका ऑब्वियसली इफ पीपल आर वॉचिंग मोर ऑफ देयर कंटेंट, इट लाइक द इंस्टाग्राम एल्गोरिदम पुशेस इट आउट सो दैट मोर पीपल सी दैट वीडियो. एंड दे जस्ट केयर अबाउट द नंबर्स, दे डोंट केयर इफ इट्स वॉट देयर टेलिंग इज एक्चुअली राइट, इफ इट्स फैक्ट बेस्ड एडवाइस, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट इट. They just want their followers, and which is not a bad thing. Now, it's not the advice given by these influencers which is bad. It is the mentality of the society which is bad. ठीक है, हम as a society ऐसे लोगों को देख के advice लेते हैं. We look up to such people who are not qualified, who are illogical, and that is where the problem is. वहीं से हमारा problem start होता है in the fitness industry. ठीक है, सो अगर आप ऐसा कोई देखते हो इन्फ्लुएंसर ऑन इंस्टाग्राम, भले ही वो कितना भी अच्छा लगे, भले ही कितना भी आपको मतलब, आप अगर कोई लड़की से एडवाइस ले रहे हो फॉर फैट लॉस, भले ही वो कितनी भी ज़्यादा लीन दिखती हो, टोन लगती हो, अगर वो बिकिनी मॉडल लगती हो, इट डजंट मैटर हाउ इट मेक्स यू फील. सिमिलरली फॉर गाइज, मगर अगर वो बंदे के बहुत सारे मसल है, बहुत ज़्यादा सिक्स पैक है, अगर अच्छा ड्रेसअप करता है, एयरपॉड्स है, फ्लैटर मत हो जाओ. What really matters is this when it comes to good advice. Okay, so professional who is qualified, usko aap judge karoge dimag se, theek hai, not with airpods and hairstyle, theek hai. So change of plans, maybe main hi pehen raha hai kapde wapde, main aise hi theek hu. So abhi problem humme jo problem hai as a society, we need to change that. Okay, stop listening to such people. It's not their advice which is wrong. It's your mentality which is wrong to believe them. Okay? And it's not, I'm not being offensive to anybody. But we need to outgrow. हमें सोच विचार करके हमारा belief ऐसी जगह पे invest करना है जो सही हो, जो सही feel हो, ठीक है? And I hope this makes sense. और एक हमारे list में ऐसे एक व्यक्ति है जो बहुत ही अच्छी advice देने की कोशिश में. Look at this now. Lose 50 kg in 5 weeks. 50 kg in 5 weeks with 50 different exercises. मतलब ये बंदे ने म्यूजिक भी कितनी सही चुनी ना, मतलब स्कैम वाली म्यूजिक चूज करी इसने, और ही इज एक्चुअली स्कैमिंग यू विद दिस. कोइंसिडेंस और सोची साजी, सोची क्या कहते हैं उसको, सोची समझी साजिश. बाप रे, मेरा टंग ट्विस्ट हो गया इसमें. एनीवे, अगर ऐसे करने से आपका फैट लॉस हो जाएगा, 50 केजी इन 5 वीक्स इज जस्ट टू मच ऑफ एन एग्जैजरेशन. मतलब बेबी तेरा वेट क्या है, 48. ये 5 हफ्ते में -2 kilos की हो जाएगी. मतलब नो, अगेन सी, यही दिस इज व्हाट आई मेंट. ऐसे लोग, दीज गाइज आर जस्ट एग्जैजरेटिंग
एंड दे आर जस्ट यूजिंग दीज लाइक फैंसी थिंग्स इन देयर पोस्ट सो दैट आप अट्रैक्ट हो जाओ, ठीक है. एंड मैंने इसके कमेंट्स में देखा लोगों ने बोला 50 kg, हाउ इज इट पॉसिबल. तो ये बोलता है सॉरी टाइपिंग एरर. ही एक्चुअली वॉन्टेड टू अट्रैक्ट पीपल, उसको ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करना था, अपनी तरफ खींचना था, बिकॉज अगर वो 50 kg लॉस कह रहा है 5 वीक में, तो जो एक्चुअली ओबीस लोग हैं, जैसे 100+ 120+ kilos वाले जो लोग हैं, ऐसे लोग अट्रैक्ट होंगे. एंड दैट इज़ वॉट ही वॉन्टेड, मतलब उसको वही चाहिए था और उसको मिल गया, उसको फॉलोअर्स आ गया, एंड ही गॉट अ लॉट ऑफ लाइक्स फॉर इट. सो एनी वे, आई एम नॉट जजिंग एनी बडी फॉर दिस. सी इट्स वॉट दे वॉन्ट एंड वॉट दे वॉन्ट इन लाइफ, इफ दे आर हैप्पी विद दैट, वेल एंड गुड. ओके, सो प्रॉब्लम इज नॉट विद देम अगेन, इट्स प्रॉब्लम विद द पीपल. जो लोगों की मेंटालिटी है, ये सोच है कि हाँ बहुत जल्दी रिजल्ट कोई दे रहा है, मतलब उससे ही मैं डाइट लूँगा, उससे ही मैं एडवाइस लूँगा, भले ही वो कितना भी क्वालिफाइड हो ना हो, वो चाहे कोई एक्चुअल सर्टिफाइड ट्रेनर हो, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हो, या कोई ऊबर ड्राइवर हो, कोई मैकेनिक हो, इट डजेंट मैटर. अगर वो बोल रहा है 50 kg 5 वीक में, मतलब करने वाला है वो, ही नोज वॉट इज डूइंग, राइट. दैट्स हाउ इट वर्क्स. द मेंटालिटी नीड्स टू चेंज. एंड देखो, ऐसे लोग तो रहेंगे जो हमेशा वाई आर एडवाइस देंगे व्हेन इट कम्स टू फिटनेस. एंड आई थिंक आई हैव स्पोकन अबाउट दिस इन सम ऑफ माय वीडियोस, दैट आई दिस इज व्हाट आई वांटेड टू चेंज इन द फिटनेस इंडस्ट्री, एंड दैट्स व्हाई आई डू दिस वीडियोस. आई एम नॉट डूइंग दिस टू थ्रो हेट एट समबडी, आई एम नॉट डूइंग दिस टू डिसरेस्पेक्ट एनीबडी. व्हाट आई एम डूइंग हियर इज जस्ट स्पिटिंग फैक्ट्स एंड टेलिंग यू दैट इट इज़ वेरी लाइक न्यूट्रिशन एंड फिटनेस आर वेरी पर्सनलाइज. हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक चीज़ अगर इसके लिए काम कर रही है, इसके लिए काम करेगी. नाउ फॉर एग्जाम्पल, मे बी ये मृदुल साहब जो थे, उन्होंने शायद, उनको वेट लॉस जब करना था, उन्होंने तब जिंजर वाटर चालू किया होगा, जिंजर मुँह में रख के और गर्म पानी चालू किया होगा, और अनोइंगली ही वॉज इन अ कैलोरी डेफिसिट, एंड दैट्स हाउ ही लॉस्ट वेट. एंड सो नाउ ही बिलीव्स लाइक ब्लाइंडली दैट जिंजर और मुँह में रखने से और गर्म पानी पीने से उसका वेट लॉस हो जाएगा, किसी का भी हो जाएगा, मतलब नो. ठीक है, जाने अनजाने में ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती है हमसे और हम सोचते हैं ये कुछ मिरेकल हो गया, जबकि वो होने है नहीं. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. अ कैलोरी डेफिसिट इज़ व्हाट इज़ नीडेड टू लूज वेट. अगर आप एक मील स्किप कर रहे हो, आप अननोइंगली कैलोरी डेफिसिट में चले जाओगे एंड आपका वेट लॉस हो जाएगा. अगर आप एक बोल आइसक्रीम खा रहे थे शाम को और उसकी जगह एक बोल वाटरमेलन खा रहे हो, वहाँ पर आपके 200-300 कैलोरीज कम हो जाएंगे एक मील के, एंड दैट अननोइंगली विल पुट यू इन अ कैलोरी डेफिसिट, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स, दैट्स हाउ यू लूज वेट. ओके, so my point here is very crystal clear. Get yourself a little bit educated, be a smart consumer, be mindful about who you are trusting with your health. And ये health है साहब, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है कुछ कि आप किसी को भी trust कर लोगे और किसी के भी advice लेने लग जाओगे, right? So do what works best for you. As I always say in all my videos, this is the end of the video. I hope you actually enjoyed this. This was meant to be a funny kind of video, and I hope this made you laugh. And if it did, please hit the like button, share this video with your friends and family. And if you haven't already, subscribe to my channel right now. And I'm gonna post amazing content every week as much as possible. If you want to hit me up for my personal coachings or my video consultations, then this is my Instagram, and you can head over to my Instagram for inquiries and for registrations. And yeah, that's it for the video. That's it for today. I'll see you in the next video.